यह है फ्लेटेड बॉडी, या इन आवास में पाए जाने वाले जंतुओं की बॉडी फ्लेटेड होती है जिससे ये जंतु इजीली पानी के अंदर आवासित रह सकते हैं। लेपिडोडिस्कस इसका एक एग्जाम्पल है। इस जंतु की जो स्ट्रक्चर है जो फ्लेटेड प्रकार की है, या इसका आकार फ्लेटेड है जिससे ये इजीली इस पेलेजिक जोन के अंदर आवासित रह सकते हैं। साथ साथ हम नेक्स्ट एडेप्टेशन देखते हैं इनका। एक्टिव स्विमिंग इनमें पाई जाती है, या ये जंतु एक्टिवली स्विमिंग कर सकते हैं या तेज़ गति से ये तैर सकते हैं। तो मैनी एनिमल्स स्विम एक्टिवली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक सीलिया इन प्रोटोजोआ। जैसे सीलिया, इनमें एक स्पेसिफिक संरचना पाई जाती है जिनकी सहायता से ये इजीली स्विम कर सकते हैं। विंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फूड इन टेरापोड्स, टेरापोड्स में विंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है फूड की, इसकी वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। जॉइंटेड ओवर शेप्ड लिम्ब इन एनिलिड्स, ओवर शेप्ड या जॉइंटेड लिम्ब्स इसमें पाए जाते हैं जिससे ये पानी में तैरने में हेल्पफुल होते हैं। मस्कुलर बेली शेप इनकी बॉडी पाई जाती है, या मस्कुलर बेल शेप बॉडी जैसे जेलीफिश, शीपिया, इनको हम देखें तो ये एक विशेष प्रकार का एडेप्टेशन इन जंतुओं में पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि पेलेजिक ऑर्गेनिज्म में ये बेल शेप बॉडी तथा मस्कुलर बॉडी होना एक फ्लोटिंग एडेप्टेशन है, या जंतुओं को फ्लोटिंग करने में सहायक रहता है या पानी के अंदर इजीली ये रह सकते हैं। साथ साथ हम कह सकते हैं कि एंडुलेटिंग मूवमेंट इन द जेलीफिश, शार्क, शील्स, वेल एट्सेट्रा। इसी प्रकार से जैसे हम रे फिशेज देखते हैं, शार्क देखते हैं, सील देखते हैं, यह एंडुलेटिंग मूवमेंट इनके अंदर हमें दिखाई देता है, या ये पानी के अंदर एंडुलेटिंग रूप से या तरंगी रूप से मूवमेंट करती हैं जिससे ये इस पेलेजिक जोन के अंदर आवासित रहती हैं। तो हम कह सकते हैं इन जंतुओं के अंदर ये जो एडेप्टेशन पाया जाता है, ये एडेप्टेशन जंतु को पेलेजिक जोन में, या ये कह सकते हैं कि मैराइन एनवायरनमेंट के आवास में जो पेलेजिक जोन होता है उस जोन के अंदर इन एडेप्टेशन के कारण जंतु आवासित रहते हैं। धन्यवाद।